रीइनकार्नेटेड एज अ सोर्ड के एपिसोड 12 में हम लोग अमेंडा की थोड़ी पास्ट की मेमोरी देखते हैं, जहाँ पर वो एक छोटी ब्लैक कैट को उठाकर कह रही होती है कि किनन और बाकी सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहीं वो ब्लैक कैट कहने वाली होती है अमेंडा, तो तभी वहाँ पर सीन कट जाता है और अब हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है और उसके सामने वही आउल होता है। उसे देखकर फ्रेंड कहती है ये एक मॉन्स्टर है। वहीं दूसरी साइड हम लोग क्रेड को देखते हैं जो कि काफी सारे स्पाइडर से लड़ रहा होता है और बाकी एडवेंचर को भी दिखाया जाता है जिनको पूरी तरीके से स्पाइडर ने घेर लिया है। वहीं क्रेड का एक टीम मेंबर पॉइजन हो जाता है और बाकी की दूसरी टीम को तो स्पाइडर ने अपने वेब में ही पकड़ कर रख लिया है। तभी क्रूज वहां पर आता है और अपनी सोर्ड टेक्निक डॉन ब्रेक का यूज करके वहां पर एक काफी ज्यादा धमाका करता है जिससे कि सभी स्पाइडर थोड़ी दूर हो जाती है और अबाइजल क्रूज को बताता है कि हमारे पोशन और एंटीडोट भी खत्म हो गए। ये सुनकर क्रूज कहता है ये तो काफी बुरी बात है। तभी अचानक से बिना ट्रिगर किए एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उनकी इस तरफ एक काफी बड़ा पत्थर आने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है वो मर गए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फ्रेंड आकर उस पत्थर को तोड़ लेती है और उन सभी को बचा लेती है। वही क्रेड उरुशी और फ्रेंड को देखकर तो काफी हैरान रहता है। तभी वहाँ पर अमेंडा भी आ जाती है। अमेंडा और फ्रेंड को देखकर बाकी एडवेंचर खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं हमें खुशी हुई है जानकर कि तुम सभी लोग ठीक हो। वही वो एडवेंचर उस पॉइजन हुए वाले बंदे को एंटीडोट भी दे देते हैं। तभी अचानक से उन्हीं लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो कहने लगते हैं हमें बचा लो, ये स्पाइडर हमें खा लेंगे। तो फ्रेंड उरुशी से कहते कि इन सभी लोग को तुम बचाओ, जिसके बाद उरुशी अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोग को स्पाइडर के वेब से बचा लेता है। और अब फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या मैं फायर का यूज कर सकती हूँ, जिस पर सोर्ड कहता है हाँ जरूर फायर का यूज करो। और अब फ्रेंड ऐसे करती है, वो बर्स्ट फ्लेम का यूज करती है और सोर्ड ट्राई एक्सप्लोजन का यूज करके उन स्पाइडर के ऊपर हमला कर देते हैं। वही अमेंडा फ्रेंड और सोर्ड के मैजिक को देखकर उनकी तारीफ करती है एंड वो विंड मैजिक का यूज करके सभी स्पाइडर के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर बाकी एडवेंचरर के अंदर भी जोश आ जाता है और वो भी खड़े होकर स्पाइडर को मारने चले जाते हैं। तभी वो आउल फुरियन के पास आता है और उसे देखकर कहता है तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम ठीक हो। तो फुरियन कहता है ये मेरा काफी अच्छा आइडिया था कि मैंने तुम्हें भेजा हेल्प ढूंढने के लिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर खत्म ही हो जाते। तभी वो आउल कहता है कि मैं एक गार्डियन स्पिरिट हूँ और मुझे उस छोटी लड़की ने मोस्टर बुलाया। ये सुनकर फुरियन कहता है उसकी बात को दिल पर मत लो, हम यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टेक्सचर स्पाइडर भी आ जाती है। उसे देखकर फ्रेंड कहती है कि मुझे इसे बदला लेना है। तो सोर्ड कहता है हाँ इसे बदला तो हम लोग लेंगे, इसका क्रिस्टल भी हम लोग साथ साथ ले लेंगे। और अब फ्रेंड उस स्पाइडर को मारने जा रही होती है, लेकिन उससे पहले वो स्पाइडर दूसरे स्पाइडर के वेब का यूज करके एक काफी बड़े वेब के अंदर छुप जाती है। तभी फुरियन अपने गार्डिंग स्पिरिट से कहता है सभी को इंस्पायर करो और अब वो आउल भी मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सभी स्पाइडर को भी कंफ्यूज कर दूंगा। वहीं इस आउल की हेल्प की वजह से सभी एडवेंचरर भी हील होने लगते हैं। वो कहने लगते हैं अब तो हम जरूर जीतेंगे। और अब क्रूज फ्रेंड से कहते हैं कि हम लोग यहाँ के छोटे स्पाइडर से लड़ लेंगे, तुम जाकर उस टिक्स्टर स्पाइडर का ख्याल रखो। फ्रेंड भी मान जाती है, जिसके बाद वो उस वेब के ऊपर जो कि स्पाइडर ने बनाया था वो उसके ऊपर फ्लेयर ब्लास्ट से हमला करती है जिससे कि वो वेब खुल जाता है। और अब फ्रेंड उरुशी की मदद से उस स्पाइडर के पास जाने लगती है, लेकिन वो स्पाइडर तभी अचानक से काफी सारे स्पाइडर को अपने सामने ले आती है और रास्ता ब्लॉक कर देती है। और अब फ्रेंड छोटे स्पाइडर से लड़ने लगती है, इसी मौके का फायदा उठाकर वो टेक्सचर स्पाइडर वहां से भागने लगती है। और अब फ्रेंड कहती है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, जिसके बाद अपने मैजिक को कंबाइन करके एक थंडर मैजिक बनाती है और उस स्पाइडर के ऊपर हमला करती है जिससे कि टेक्सचर स्पाइडर की काफी हालत खराब हो जाती है, वो स्पाइडर नीचे गिर जाती है। सोर्ड कहने लगता है ये थंडर मैजिक तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अनाउंसर ने बताते कि जो मैजिक उन्होंने अभी यूज किया उससे ज्यादा डैमेज तो नहीं होता है, बट उनके जो टारगेट होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो सोर्ड कहते हैं तो काफी कमाल की बात है, पहले हम अपने अपोनेंट को पैरालाइज करेंगे जिसके बाद हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं बिना किसी देरी के। वही अमेंडा फ्रेंड को देखकर कहती है कि क्या ये अभी से ही थंडर मैजिक सीख गई है, फ्रेंड तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग बनती जा रही है। तभी वो टेक्सचर स्पाइडर फ्रेंड के ऊपर हमला कर देती है और अब फ्रेंड और उरुशी दोनों मिलकर हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर अमेंडा काफी ज्यादा डर जाती है और अब उसे याद आता है कि उसके पास पास्ट में दो ब्लैक कैट्स हुआ करती थी जो कि एडवेंचर बनना चाहते थे, लेकिन अमेंडा ने उन्हें लड़ना नहीं सिखाया क्योंकि अमेंडा को लगा कि यही सही तरीका है, क्योंकि अगर वो एडवेंचर बनेंगे तो उनकी लाइफ काफी ज्यादा घट जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन अमेंडा का तरीका गलत निकला, वो ब्लैक कैट्स मर गई और अब अमेंडा कहने लगती है कि मैं फ्रेंड को भी उसी तरीके से नहीं मरने दूंगी। वही फ्रेंड दोबारा खड़े होकर उस टेक्सचर स्पाइडर के ऊपर हमला जाहिर होती है, लेकिन तभी उसको अमेंडा की आवाज आती है जो कि काफी खतरनाक अटैक कर रही होती है। इस अटैक के कारण तो उस स्पाइडर की धज्जियां ही उड़ जाती है और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस अटैक को देखकर सभी एडवेंचरर हैरान हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं ये हुई ना बात एक ए रैंक एडवेंचरर की। वही सोर्ड पूछते हैं कि वो स्पाइडर कहां गया, तो अनाउंसर सोर्ड को बताती है कि वो स्पाइडर डिस्ट्रॉय हो गया, साथ से उसका क्रिस्टल तक डिस्ट्रॉय हो गया। और अब अमेंडा भागते हुए फ्रेंड के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन फ्रेंड काफी अजीब मुंह बना रही होती है। सोर्ड कहने लगता है अमेंडा से अच्छा यही रहता है कि तुम उस क्रिस्टल को ना तोड़ती।
थी। वही फ्रेंड कहने लगती है कि मैं बदला खुद लेना चाहती थी। ये सुनकर अमेंडा कहती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। वही क्रूज और बाकी एडवेंचरर को एक हॉल मिलता है। उन्हें लग रहा होता है कि यही रास्ता है कोर रूम में जाने के लिए। क्रूज सभी से कहने लगता है कि चलो अब हमें जाना है, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है। और अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं। वही अमेंडा रोते फ्रेंड से कहती है कि प्लीज मुझे हेट मत करो ना। फ्रेंड कहती है मैं आपको हेट नहीं कर रही हूँ। वही सोर्ड कहने लगता है कि जो अमेंडा ने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज किया वो ग्रेटर डीमन की एडवांस मैजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी एडवेंचर डंजन कोर के पास पहुंच जाते हैं और वो उस रूम के अंदर काफी सारे क्रिस्टल होते हैं। तो एक एडवेंचर पूछती है कि क्या हमें इन सभी क्रिस्टल को कलेक्ट करना है। जिस पर क्रूज कहता है कि हमने जो आपको बैग दिए थे उनमें इन क्रिस्टल को कलेक्ट करके रख लेना, और याद रखना ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी किसी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा। जिसके बाद क्रूज क्रैड से कहता है कि किसी भी क्रिस्टल को अपने कपड़ों में छुपाकर मत ले जाना। तो क्रैड कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। वहीं आइजल डंजन कोर को देख रहा होता है और कहने लगता है कि डंजन की सेटिंग तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर इवॉल्व वर्जन के स्पाइडर कैसे आ गए। ये सुनकर क्रूज अमेंडा से कहता है कि क्या हम इस डंजन को क्लियर कर दें। तो अमेंडा कहते हैं तुम्हारा आइडिया तो सही है लेकिन हम लोग ये बात को गिल्ड मास्टर पर छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी साइड हम लोग क्रैड को देखते हैं जो कि फ्रेंड से आकर शुक्रिया करता है उसके पार्टी मेंबर्स को बचाने के लिए। लेकिन तभी फ्रेंड उसके ऊपर फायर से हमला करती है और उसके बाल जला देती है और पता लगता है कि पीछे एक स्पाइडर होता है। फ्रेंड क्रैड से कहती है कि अगर मैंने स्पाइडर को नहीं मारा होता तो इस टाइम पर तुम मर जाते। वहीं क्रैड फ्रेंड के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाता है। और अब रात के टाइम में फ्रेंड अमेंडा से ब्लैक कैट के एवोल्यूशन के बारे में पूछती है। ये सुनकर अमेंडा कहती है तो तुम भी इवॉल्व करना चाहती हो। फ्रेंड पूछती है तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है। तो अमेंडा बताती है वो कुछ ब्लैक कैट्स को जानती थी जिसने यही बात कही थी कि वो भी इवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड पूछती है कि क्या वो लोग इवॉल्व कर पाए। तो अमेंडा कहती है नहीं, वो दूसरे वर्ल्ड में चले गए यानी मर चुके वो लोग। और अब अमेंडा फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ मैं ख्याल रखूंगी। सोरे सुनकर कहते हैं कि क्या अमेंडा सही में फ्रेंड की चिंता कर रही है। और अब इसी के साथ इनका डंजन क्वेस्ट पूरा हो जाता है और अब सभी एडवेंचर लौट कर वापिस से टाउन के अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड सबसे पहले गिल्ड मास्टर के पास आती है। गिल्ड मास्टर फ्रेंड से कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करी है जैसे उरुशी जो कि तुम्हारा सी रैंक का फेमिलियर है, लेकिन कुछ भी हो तुमने अपनी क्वेस्ट पूरा करी है और तुमने काफी बढ़िया काम किया। तो फ्रेंड कहते हैं लेकिन मैं फेल हो गई, मुझे नहीं लगता मैंने इतना कुछ अच्छा किया है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुमने अमेंडा के साथ मॉक बैटल भी करी और साथ साथ तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक से बचकर वापिस भी आ गई, एक फेमिलियर को भी समन किया और साथ साथ अपने कंपेनियंस को भी बचाया, ये काफी बढ़िया काम किया तुमने। सोर कहने लगता है कि चलो इस मिशन के बाद गिल्ड मास्टर के ऊपर से वो गलत रूमर्स तो हट जाएंगे। और गिल्ड मास्टर फ्रेंड से कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें उलमोट के डंजन में जाने की परमिशन देता हूँ और जाने से पहले अपनी क्लास भी चेक कर लेना। और फ्रेंड गिल्ड मास्टर का शुक्रिया करती है। तो गिल्ड मास्टर फ्रेंड से कहता है कि तुमने कब की प्लानिंग करी है यहाँ से जाने की। जिस पर फ्रेंड कहती है कल या फिर परसों। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद सभी लोग अकेले पड़ जाएंगे और मैं भी। तो फ्रेंड कहती है हाँ वो तो है। जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर का हर चीज के लिए शुक्रिया करती है एंड वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद फ्रेंड क्लास चेक करने के लिए आती है तो उसे पता लगता है उसकी क्लास अब चेंज हो चुकी है और अब वो एक स्वॉर्ड मेगस बन चुकी है। और अब फ्रेंड गैरस की शॉप पर पहुंचती है। गैरस कहने लगता है मैंने तुम्हारा आर्मर रेडी कर दिया है। और अब फ्रेंड उसको पहन के देखती है और फ्रेंड के आर्मर के अंदर सभी नेम्ड आइटम होते हैं। तो गैरस बताता है कि नेम्ड आइटम के ऊपर काफी इंप्रूव स्टेट्स होते हैं और उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग लगी होती है, तुम्हें इस चीज के लिए गॉड और बीस्ट और इंसेक्ट को शुक्रिया देना चाहिए। तो फ्रेंड और सोर्ड दोनों मिलकर उन गॉड को शुक्रिया करते हैं। और अब सोर्ड गैरस से कहने लगता है एक प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार फ्रेंड का इतना पेट दिख क्यों रहा है, आखिरकार तुम्हारा ऐसा करने का मतलब क्या है। तो गैरस कहता है मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है, कैट स्पिरिट के लोगों को ऐसे हल्के इक्विपमेंट पसंद होते हैं जिनसे कि उनको मूवमेंट करने में आसानी हो। वही फ्रेंड कहने लगती है हाँ ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल आर्मर है और मुझे मूव करने में काफी आसानी हो रही है। तो सोर्ड कहता है वो तो ठीक है लेकिन अगर क्या होगा अगर पेट पर किसी ने अटैक किया। तो गैरस कहते हैं उसके लिए भी प्रोटेक्शन है। जिसके बाद एक काफी बड़े हथौड़े को फ्रेंड के पेट पर मारता है और वो हथौड़ा वापस से रिपेल हो जाता है। फ्रेंड कहने लगती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी इससे। तो और अब गैरस बताते हैं कि जो ये बेल्ट तुम्हारे पास है इससे तुम्हारा काफी अच्छा प्रोटेक्शन होता रहेगा और तो और ये तुम्हारे स्टैट को भी बूस्ट करेगा और साथ ही साथ तुम्हें इंस्टेंट डेथ से भी बचाएगा। ये सुनकर सोर कहता है इंस्टेंट डेथ से भी बचाएगा, ये तो काफी कमाल की बात है। और अब उसके बाद वो लोग गैरस का शुक्र करते हैं इस आर्मर के लिए। गैरस कहते कोई बात नहीं मुझे खुद ही आर्मर बनाने में काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद गैरस उनसे कहते हैं कि तुम अब उलमुट जाने वाले हो ना, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी वहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड कहते सच्ची में तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो। तो गैरस कहते हैं लेकिन तुम तो सी वाले रास्ते से जाओगे ना। तो सोर कहते हैं हाँ हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि सोर को मैं सी दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर गैरस कहते हैं कि मैं एक ड्वार्फ हूँ और मैं माउंटेन को काफी अच्छे से क्लाइम कर सकता हूँ लेकिन मैं पानी में नहीं तैर सकता, इसलिए मैं लैंड वाले रास्ते से जाऊंगा। इसलिए जब तुम उलमुट में पहुंचो वहां तुम मुझसे मिलने जरूर आना। तो फ्रेंड और सोर भी कहते हैं ठीक है हम समझ गए। वहीं दूसरी साइड हम लोग अमेंडा को देखते हैं जो कि रूफुस के पास आती है और उसे पूछते कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। जिस पर रूफुस बताता है कि एक ब्लैक कैट आई थी जो कि काफी सारे स्पाइसेस और काफी सारी चीजें लेकर
लेकर गई है। ये सुनकर अमेंडा कहती है वो पक्का फ्रेंड होगी। और अब रूफस कहता है पता नहीं फ्रेंड को देखने के बाद मुझे उन दोनों की याद क्यों आ जाती है। तो अमेंडा कहती है हाँ मुझे भी उनकी याद आती है, वो लोग ऑर्फनेज छोड़ने के बाद कभी कभार ही आया करते थे कुछ न्यूज बताने के लिए। और फिर मुझे उनके मरने की खबर आई, मैंने उन्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला और इसी वजह से मैं खुद को काफी ज्यादा यूजलेस मानती हूँ। अगर मैंने उन्हें लड़ना सिखाया होता तो वो लोग इस तरीके से मरते नहीं। जिसके बाद अमेंडा दुखी होकर रूफस की दुकान से निकल जाती है। और अब सुबह में फ्रेंड टाउन को छोड़ के जाने लगती है जहाँ पर सभी लोग फ्रेंड को बाय करने आते हैं। नेल रोते हुए फ्रेंड से कहते हैं कि मैं तुम्हारे रिसेप्शन पर वेट करूंगी, तुम जरूर आना वहाँ पर। फ्रेंड कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। वही दोनों दोनों फ्रेंड से कहते हैं कि तुम एक एडवेंचर पर जा रही हो इसलिए तुम्हें 100 गोल्डन रूल याद करने पड़ेंगे, जिस पर फ्रेंड कहते हैं मैं नहीं करूंगी याद। ये सुनकर दोनों दोनों की बोलती बंद हो जाती है। वही बाकी एडवेंचर कहने लगते हैं कि हम लोग और भी ज्यादा ट्रेन करेंगे ताकि हम लोग अगली बार तुमसे ना हारे, अपना भी ख्याल रखना तुम। वही क्रेड और क्रेड की टीम फ्रेंड से कहते हैं कि अपनी जर्नी सेफली करना और अगली बार हम लोग तुमसे जरूर जीतेंगे। ये सुनकर फ्रेंड कहती है ऐसा तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर क्रेड वापस चिढ़ जाता है। और अब फ्रेंड अमेंडा से कहते हैं कि जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। वही अमेंडा थोड़ी खोई खोई सी और दुखी दुखी सी लग रही होती है। वो कहने लगती है हाँ फ्रेंड मैं तुम्हारा वेट करूंगी जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी। जिसके बाद फ्रेंड उर्वशी के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगती है और सभी का शुक्रिया करती है। तभी सो फ्रेंड से कहने लगता है कि तुमने अमेंडा को अभी तक एक बार भी मम्मा नहीं बोला। तो फ्रेंड कहती है लेकिन मेरी मम्मा और अमेंडा तो बिल्कुल अलग अलग पर्सन है, लेकिन फिर भी एक बार। ऐसे बोलने के बाद फ्रेंड पीछे मुड़कर अमेंडा को ममांडा बुलाकर बाय करती है। ये सुनकर अमेंडा और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब उसे वही छोटी ब्लैक कैट की याद आती है जो कि उसे भी ममांडा ही बुलाती थी। जिसके बाद हम लोग अमेंडा की मेमोरीज में फ्रेंड के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि फ्रेंड को लेकर अमेंडा की ब्लेसिंग लेने को आते हैं। और अब फ्रेंड वहां से जाने लगती है। उसे देखकर अमेंडा कहती है तुम लोगों ने जो अपनी बेटी यहाँ पर छोड़ के गए हो वो काफी अच्छा काम कर रही है और प्लीज इसी तरीके से अपनी बेटी पर नजर रखना। वही अमेंडा चिल्ला तो है फ्रेंड को गुड बाय करती है और कहती है अपना ख्याल रखना। और अब हम लोग फुरियन को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास आता है। गिल्ड मास्टर फुरियन से कहने लगता है कि तुमने अपनी अंडर कवर जॉब काफी अच्छे से करी। वहीं फुरियन गिल्ड मास्टर से कहता है अंकल मैं वहां पर काफी बार मरते मरते बचा हूं। तो गिल्ड मास्टर कहता है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें ऑगस्ट ओलसेंट को ब्लेम करना चाहिए। और हमें पता लगता है कि किसी एडवेंचर ने किसी पोशन का यूज करके ट्रिक्स्टर स्पाइडर को इवॉल्व किया था और उस एडवेंचर को हमने पकड़ लिया और उसने ये बात कन्फेस की है कि उसको ऑगस्ट ने ही भेजा था। गिल्ड मास्टर कहने लगता है कि ऑगस्ट काफी बेशरम पर्सन है, इस बात को छोड़ो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे गार्डियन ने मतलब तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट फ्रेंड के बारे में क्या सोचता है। तो फुरियन अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुला लेता है। वो गार्डियन स्पिरिट कहने लगता है कि मुझे फ्रेंड के अंदर से कोई भी इवल चीजें सेंस नहीं हो रही थी, वो ज्यादातर चीजों के बारे में क्यूरियस रहती है और खुद से ही बात करती रहती है लेकिन मैंने कोई भी उसके गलत इंटेंशन सेंस नहीं किए हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है तो इसका मतलब फ्रेंड कोई भी स्पाई नहीं है। तो फुरियन कहते हैं नहीं वो सिर्फ एक ऐसी ब्लैक कैट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। गिल्ड मास्टर भी मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब से फ्रेंड के ऊपर कोई भी शक नहीं करूंगा। वही हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जो कि टेलीकिनेसिस का यूज करके सोर की ओर उड़ रही होती है और वो लोग एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनके रास्ते में एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और वो लोग टकरा जाते हैं जिसके कारण से वो नीचे गिर जाते हैं। और अब वो लोग एक घर में गिरते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक नेक्रोम कार होता है जो कि इस फ्रेंड से कह रहा होता है कि मुझे हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए डार्क सोर्सरी में। सोर उस बंदे को देखकर कहता है कि आखिरकार ये है कौन। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड और सीजन खत्म। पता नहीं सीजन 2 कब आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में मत पूछना। और अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए पीस आउट।